ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, जिसका अनाउंसमेंट अमेज़न के ऊपर कर दिया गया है और जिसकी शुरुआत 20 जनवरी से होने वाली है और 23 जनवरी तक चलने वाला है। SBI कार्ड्स के ऊपर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ध्यान देने वाली ये बात है कि आपको इसके अंदर सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट मिलने वाला है। एक और ऑफर है जो कि अमेज़न पे प्राइम मेंबर्स के लिए होने वाला है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि बिग सेविंग डेज करके फ्लिपकार्ट के ऊपर भी सेल आ चुका है। अब अमेज़न के ऊपर सेल आए और फ्लिपकार्ट के ऊपर ना आए तो कैसे काम चलने वाला है? यहां पे आपको एक दिन एक्स्ट्रा सेल देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको HDFC बैंक के ऊपर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। HDFC बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों के ऊपर आपको डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, और EMI ट्रांजेक्शंस करते हैं अगर तब भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप प्लस मेंबर हैं तो आपको एक दिन पहले मतलब कि 19 जनवरी से सेल स्टार्ट हो जाने वाला है। वहीं पे अमेज़न की बात करते हैं तो आपको ये सेल 24 घंटे पहले और 19 जनवरी से ये सेल स्टार्ट होने वाला है। मजे की बात यह है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 3 महीने के लिए 164 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हो 3 महीने के लिए अमेज़न प्राइम। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पे आपको फ्री में डिलीवरी दी जाती है 1 डे, और इसके साथ साथ आपको प्राइम वीडियोस के भी फैसिलिटीज को दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास कोई ऐसा आई कार्ड होना चाहिए जो कि आपके इस बात को साबित करे कि आपकी उम्र 18 से 24 साल के बीच में है या फिर कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। तो 164 रुपीज आप देखे 3 महीने तक इसका लाभ उठा सकते हैं, और इससे फायदा यह होने वाला है कि एक दिन पहले आप सेल में भाग ले पाएंगे और इस तरीके से आपको काफी जो सस्ते सामान है वो कम रेट में देखने को मिलेंगे। वैसे तो अभी आज की डेट में अनाउंसमेंट्स बहुत सारे नहीं किए गए हैं, लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, लमसम अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि इस तरीके से आपको सेल देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हो, कपड़े हो या फिर एसेसरीज हो, सभी के ऊपर देखने को मिलने वाला है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के ऊपर भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा सेल के अंदर कोई चीज बिकती है अगर तो है मोबाइल फोन। तो फ्लिपकार्ट हो या फिर हो अमेज़न, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे ज्यादा प्रचार उनके द्वारा किया जाता है, और उसके बाद आते हैं फैशन के प्रोडक्ट्स। तो इन सभी चीजों के ऊपर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जहां पे आपको बता दें कि अमेज़न के ऊपर कुछ जो प्राइसेस हैं उसको रिवील कर दिए गए ऑलरेडी, लेकिन फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी भी प्राइसेस को रिवील नहीं किया गया है। नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो उस मोबाइल फोन है जो कि आपको देखने को मिलेंगे सेल के अंदर, उसके बारे में बताना चाहता हूं। Redmi 9 Power जो कि अभी लॉन्च हुआ था कुछ समय पहले, आपको देखने को मिलने वाला है 10,999 रुपए में 4GB 64GB के साथ, और अगर 128GB स्टोरेज वाला लेते हैं फोन तो 11,000 रुपए में आपको ये फोन 11,999 रुपए में ये फोन आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट SBI का लगा सकते हैं। अब एक सैमसंग का फोन हाल ही में लॉन्च हुआ था जिसका नाम है सैमसंग M02S। अब ये फोन 9,000 रुपए में उपलब्ध है आप लोगों के लिए, जो कि 19 जनवरी से पहला सेल स्टार्ट होने वाला है। अब आपको बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं सो कॉल्ड, वो लोग आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन मेरी मानिए अगर तो 9,000 रुपए लगा के ये फोन मत खरीदिएगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 450 इसके अंदर लगा हुआ है, जो कि आपको बहुत जल्द काफी खराब एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि सैमसंग का एक फोन आया था जो कि मोस्ट सेलिंग फोन रहा था, उसके अंदर भी काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स ने बोला था कि आप ये फोन ले सकते हैं, और लेने के बाद लोगों ने बहुत ज्यादा गालियां दी थी क्रिएटर्स को, क्योंकि उसके अंदर सैमसंग का ही एक सोनाइस 850 प्रोसेसर लगा हुआ था। अगर फोन के बारे में याद आ गया तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। MI का ये फोन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो कि 22,000 में दिख रहा है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। इस तरीके से आपको बहुत सारे और भी ऐसे फोन हैं, जैसे कि आपको OnePlus 8T, यहाँ भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो कि आपको 40,000 के अंदर में फोन देखने को मिल सकता है। सैमसंग M51 की बात करते हैं तो 19,500 में ये फोन डिस्काउंट में मिल रहा था अमेज़न का जो पिछला सेल आया था उसमें, लेकिन इस साल के पहले सेल के अंदर आपको ये फोन 20,000 के नीचे देखने को मिलेगा अगर बैंक डिस्काउंट की बात करते हैं तो। सैमसंग के और भी ऐसे फोन्स हैं जिसके ऊपर डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, और आईफोन की बात करते हैं तो आईफोन 12 मिनी के ऊपर भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। बैंक के अलावा भी आपको एक डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो कि आपको बाकी पुराने जो आईफोन 7 है उसके ऊपर देखने को मिल सकता है। बाकी जो चीजें हैं वो आपके सामने हैं, आने वाले टाइम के अंदर मैं और डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 1500 रुपए तक का डिस्काउंट अगर आपका सामान 15,000 रुपए से ज्यादा का है तो आप SBI का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए ले सकते हैं। ये कूपन अगर अभी आज
की डेट में ये कलेक्ट कर लेते हैं तो आप इन फोन्स के ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है ये सेव कर पाएंगे, तो ये चीज एक्स्ट्रा आपको बचत हो सकती है, तो प्लीज इसको देख लीजिएगा एक बार। फ्लिपकार्ट की अगर बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट के ऊपर वैसे तो प्राइस रिवील नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये साल का पहला सेल है तो अच्छा सेल होने वाला है, और वैसे भी जनवरी महीने में 26 जनवरी के आसपास सेल काफी अच्छा ये लेके आते हैं। फोन के बारे में बात करते हैं तो यहां पे आपको आईफोन का जो SE है वो फोन आपको देखने को मिलेगा लगभग 30,000 के रेंज में, वहीं पे रियलमी वॉचेस के ऊपर भी डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों फ्लिपकार्ट के साथ साथ Amazon ने अनाउंसमेंट तो कर दिया है, लेकिन रियली कितना डिस्काउंट होगा ये सेल आने के बाद मालूम चलेगा। मैं आप लोगों से यह आग्रह करता हूं कि जब भी कोई प्रोडक्ट सामान जब आप सेल में परचेज करते हैं तो प्लीज पहले एक बार वेरीफाई जरूर कर ले उसके प्रोडक्ट के बारे में कि हिस्ट्री क्या रही है, किस प्रकार से इसके अंदर बदलाव है प्राइसेस के, और जो प्राइस आप पे कर रहे हैं पहले से ज्यादा तो नहीं पे कर रहे हैं। कई बार सेल के अंदर होता है कि प्राइसेज आपसे ज्यादा ले लिए जाते हैं और आपको मालूम ही नहीं चलता और आपको लगता है कि आपने सेल में प्रोडक्ट खरीदा है तो सस्ता ही होगा। दोस्तों ये बार बार मैं बात इसलिए करता हूं क्योंकि आज की डेट में सेल के नाम पे काफी ज्यादा बेवकूफ लोगों का बनाया जाता है, तो कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। TechnikiSar7 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां भी मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर ज्यादा इस तरह की चालाकी की जाती है, तो ध्यान रखिएगा, प्राइस हिस्ट्री जरूर चेक कीजिएगा, और कुछ बात पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए, सब्सक्राइब करके के बाद शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच अगेन।